हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं एमपीडी के बारे में, मतलब मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। जो भी बच्चे आप में से ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन पहले ही पढ़ चुके हो और चाहते हो फ्यूचर में एक मास्टर डिग्री कोर्स करना, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके मतलब का। इस कोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। सो देखो, ये कोर्स जैसे कि नाम यहाँ बता रहा है, फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक रूप में बहुत सारे स्पोर्ट्स के गेम खेले जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में ही आपको पढ़ने को, समझने को और जानने को मिलता है। ये कोर्स है जो 2 साल का कोर्स है, मतलब टोटल 4 सेमेस्टर होंगे आपके, हर साल में 1-2 सेमेस्टर। जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है, स्पोर्ट्स रिलेटेड स्किल्स आपको सीखने को मिलेगा। लिबर्टी केयर की बात करो, देखिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए अगर अच्छा है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में है, तो मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, बाकी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अब जॉब्स की बात करें तो किस टाइप के एरियाज में आपको जॉब्स मिल सकती हैं, देखो आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, स्पोर्ट्स टीम में जा सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो, जिम्स में जा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको कर सकते हो। खुद का जिम जैसे खोल सकते हो, खुद की एकेडमीज खोल सकते हो स्पोर्ट्स रिलेटेड, चाहे किसी भी टाइप के फील्ड में, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे जेवलिन में हो, चाहे रनिंग में हो, है ना, चाहे बैटिंग में, क्रिकेट वगैरह में हो, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड आप चीज़ें कर सकते हो। टीचर बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, एजुकेटर बन सकते हो, ऐसे ही बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकते हो, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस नए नए खुल गए हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स आपको किस तरह के पढ़ने को मिलेंगे। देखो, स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड के बारे में है तो उस टाइप के ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। अब वो डिपेंड आपके ऊपर भी करता है कि आप किस तरह के स्पोर्ट्स को चुनते हो। जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ, ज़्यादातर कोई ना कोई फील्ड होगा, कोई ना कोई प्लेग्राउंड होता है ना जहाँ पे आपको काम करना है, चाहे स्विमिंग हो तो स्विमिंग के लिए भी स्विमिंग पूल होगा, तो उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। स्प्रिंट, मिडिल, लॉन्ग डिस्टेंस, हाई जंप, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन करा है स्विमिंग, जिमनास्टिक, योगा, ठीक है, अलग अलग आसनास के बारे में, ट्रैक एंड फील्ड, लेसन्स, थ्योरी, स्पोर्ट्स, है ना, गेम्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो डिपेंड करता है आप किस पर्टिकुलर फील्ड में, किस तरह के गेम में इंटरेस्टेड हो। अब बात करते हैं इनकम की, भैया पढ़ाई तो कर लेंगे, पैसा कितना मिल सकता है। तो देखो पैसा, यार देखो पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हो स्पोर्ट्स में, तो खुद का मान लो कल को अगर आप स्पोर्ट्स में खुद का एक कोई जिम या फिर अकेडमी ओपन कर देते हो, तो वहाँ तो कोई संभावना ही, लिमिट ही नहीं है कोई पैसे की, है ना। तो मिनिमम स्टार्टिंग में बता सकता हूँ 3 लाख पर एनम से स्टार्टिंग हो जाती है, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 से भी कर सकते हो, 10 से भी, 20 से भी, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो है मैक्सिमम की लिमिट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल को आपने मान लें बहुत बड़ी अच्छी अकेडमी खोल दी, है ना, तो वहाँ तो जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो, या किसी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ में कोई बिजनेस खोल दिया, तो वो डिपेंड करता है ना कितना पैसा बनाया जा सकता है, वो आपके ऊपर है। तो गाइज, आशा करता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।